या तो रखे सारा अभिमान। से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोमवार को मंडी जिला के बल क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों के नाम पर हुई ठगी के मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री से मिला। इस दौरान नागेंद्र कुमार ने बताया कि बिलासपुर और पंजाब के दो व्यक्तियों द्वारा विदेशों में नौकरी दिलवाने के झांसे से बल क्षेत्र 16 युवाओं से 7.5 लाख रुपए के करीब पैसा ले गए हैं और अब उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवा बेरोजगार युवा हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके उनको दिए गए थे। अब इन सब युवाओं ने एसपी मंडी से इंसाफ दिलवाने के लिए गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुछ युवाओं ने विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जरूरत है वहाँ पे एक बड़ी पोस्ट है, हमारे जीजा जी होते हैं, एक तेल की खदान है, वहाँ पे वर्कर्स की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम जल्दी ही हो जाएगा, तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप कर सकते। फिर हम उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि कैसे कैसे है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपका खाना पीना रहना सब फ्री होगा, कंपनी की तरफ से होगा, हम सब मान गए। बाद में उन्होंने क्या कहा, अभी आपका वीज़ा लगना है तो वीज़ा के लिए आपको 30,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, हमने वो भी किया कि उनको 30,000 वीज़ा के लिए दे दिए। वीज़ा उन्होंने फिर कहा कि वीज़ा तो आपका होने वाला है, अथॉरिटी हो चली गई है उसको। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल होना है और मेडिकल होगा तभी आप बाहर जा पाएंगे। तो उन्होंने मेडिकल के लिए हमें कहा कि आप दिल्ली आओ, दिल्ली और परवेज खान भी हमारे साथ थे दिल्ली के लिए। वहाँ पे जो दूसरे जो उनके साथ थे हरेंद्र, उन्होंने वो भी वहाँ पे मिले। तो उन्होंने वहाँ पे पहले हमारे से ब्लड लिया, उन्होंने हमने उन्हें पूछा कि सिर्फ ब्लड ही इफिशियंट है, बोले हाँ ब्लड ही लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम वहाँ पे मान गए। फिर उन्होंने कहा कि अभी आपको 17,000 और देने पड़ेंगे तो आप जा पाएंगे। फिर वहाँ पे दिल्ली में हमें उनको हमने 17,000 रुपये और दिए। इस प्रकार से हमने उनके टोटल 47,000 दिए। फिर जैसे हमने उन्हें पूछा कि अब 2 महीने हो गए बीत गए, 3 महीने बीत गए, तो हमने उन्हें पूछा कि अब कब तक हमारा वर्क होने वाला है। उन्होंने कहा बस जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। इस प्रकार से 5-6 महीने इस प्रकार से लटका के रखा, 1 साल ही तकरीबन। जब हम फिर हमें उन्हें जो परवेज खान उनका घर मालूम नहीं था, बिलासपुर में पता था कि बिलासपुर में है, कहाँ है ये नहीं मालूम था। फिर उनके घर ढूंढना शुरू किया कि उनका घर कहाँ पे है। तो फिर एक बीच में हमें 5-6 महीने वही चक्कर लगाने शुरू किए, तो उनका घर एक बार मिला हमें। तो उनके घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका काम हो जाएगा। फिर उन्होंने हमें फिर से वापस भेज दिया। कुछ टाइम बाद जब नहीं हो रहा था, फिर हमने वहाँ पे बिलासपुर गए तो उन्हें वहाँ से मंडी लाया कि या फिर हमारा पैसा वापस कीजिए या हमारा जो काम है उसे करवा दीजिए। तो उन्होंने ना हमारा काम हुआ, फिर यहाँ कोर्ट में आए मंडी में, उन्होंने हमारे साथ एक एफिडेविट बनाया कि 3 या 4 महीने के अंदर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपका जो पूरा पैसा वापस करेंगे। उन्होंने हमें एक चेक भी दिया, तो आज तक उसके बाद चेक जो दिया था उन्होंने हमें 4 महीने का चेक दिया था। वो चेक हमने जब 4 महीने के बाद कोर्ट में बैंक में लगाया तो वहाँ से भी ये हो गया। टोटल कितना पैसा दिया आपने और क्या मांग कर रहे हमें उन्हें कम से कम 7 लाख से ऊपर पैसा दिया हुआ है, 48,000 के हिसाब से सभी का है, 47,000 के हिसाब से। तो हम यही मांग करते हैं कि एक तो हम बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके पैसे उन्हें दिया, अब वो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एसपी महोदय हमारे ये कहे कि उनसे हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाए। एक तो कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना में बहुत प्रॉब्लम है, जो छोटे वर्क थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कितने लोग हैं सर? 16 लोग हैं सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।